मधुबनी में शंकर चौक पर 1100 दीप जला कर जय श्री राम लिखल गेल है। सब गोटे सब टीवी पर से हर प्रांत में देख रहा है, भारत देश ने पूरे विश्व से राम में भ चुकल है। अतः 1100 दीप जला कर जय श्री राम लिखल गेल है, केहन क्षण क्षण के अनुभव कर रहा है। राम राज आ गए और पूरा भारत में राम राज आ गए है। आज हमर सीता जी के हम मिथिला में जन्म लेने छी, सीता जी के धरती छे, वो आज अपन सासुर चल गया और सासुर में इनका रह के लिए घर मिल गए। 14 वर्ष वनवास में रहलखिन, ओकर बाद भटक रहलखिन, आज 500 वर्ष के बाद राम जी अपन घर हमर सीता जी के लगले है। टेंट में साई मंदिर में गेले थे, तई पूरे भारत दीपावली के तरह दीप प्रज्वलित करके राम राज मना रहल छे पूरे भारत। की कह चाहबे जे ई पूरा राम में वातावरण पूरा विश्व भ चुकल छे। देखियो ई राष्ट्रोत्सव छे, राष्ट्रोत्सव छे, पूरा विश्व के 57 कंट्री में उत्सव मनायल जा रहल है। हम सब मिथिला के छी, ताहि दुआरे हमर सबके विशेष अधिकार हो। आज जनकपुर से एत सौगा सब गए, एक एक भावनात्मक संबंध है, कि भावनात्मक संबंध अठा से मिथिला से लगे अयोध्या तक है। आज सबसे बड़का प्रसन्नता बात एक हम सब सकारात्मक रूप में ली कि टेंट से आई रामलला के प्राण प्रतिष्ठा भेलन भगवान में, ये बहुत प्रसन्नता के बात है। कि हमरा सके 550 के लड़ाई छले, 550 वर्ष के 500 वर्ष के लड़ाई आज फलीभूत भेल है। अ दुआरे कि हमरा सब कहीं उद्विग्न नहीं भेलों, कहियो जे छे एकरा दोसर रूप में ले लिए संघर्ष के लिए, कोर्ट के माध्यम से और जन संघर्ष के माध्यम से आज हमरा सब विजय भेल। आज रामलला अपना घर में छथि, हमरा बुझाया पूरा विश्व जे छे से आस्था से भर चुकल छे, विश्व से पूरा आस्था से भर छे, पूरा विश्व छे। ते दुआरे कहलौं कि विश्व उत्सव भ गेल छे। जय मिथिला, जय सिया राम। हमर उपस्थिति मुरली मनोहर पोखर मधुबनी में, जतः कृष्ण भगवान के अथी रहे, जतः पूरा मंदिर जगमगा रहा है, चूँकि राम में वातावरण भ चुकल है। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम श्री राम के स्थापना भेलन है। जतः जते राम भक्त सब आई खुश है, पूरा दुनिया खुश है, जे सनातन प्रेमी है ओ खुश है, सनातनी देश आई पूरा राम में भक्ति में डूब चुकल है। अतः मेयर साहब इनको से जानब, भगवान हनुमान के भक्त है, तो हनुमान के बात आयल तो श्री राम के बात आयल, श्री राम के बात आयल तो हनुमान के बात आयल। तब मेयर साहब से बात करब, ऐसे पहले हमरा संग एगो गायक छथि, आ जखन गायक छथि तऽ भगवान राम के गीत नहीं हुए ई भ नहीं सकैए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत नीक, राम आएंगे, पूरा दुनिया दीप से जल चुकल है, पूरा आइए होली और दिवाली त्यौहार मान रहल है। 550 वर्ष के लड़ाई चले है, हमर पूर्वज लड़ाई लड़ले, लेकिन आज इतिहास में हम सब प्रत्यक्ष दर्शी छी जे भगवान टेंट में सब मंदिर पर में गेले थे। आज ई क्षण है के केना मना रहल छी और की कह चाहबे आजुक दिन के लेल। सबसे पहले हम मिथिला के वासी छी, आज हमर सीता जी अपन सासुर गेलखिन गा अपना घर में, ऐसे बड़का खुशी के बाद मिथिलावासी के की हेतै। एकदम हम सब बहुत भाग्यशाली छी, यही उम्र में पूरा दुनिया देख लिए बहुत अच्छा तरीका से। हमर पूर्वज 1934 के भूकंप देखल के, हम सब कोरोना काल के देख लेलों, ई अभी 370 हटले वो देख लिए, राम राज अल वो देख लिए। तो हम मिथिला के वासी छी, मिथिला के वासी रहे के नाते राम जी हमर रिश्तेदार है,
भगवान तो जरूर छथिन, लेकिन अहाँ बहिन माय सब मिलके हुनका साल में एक बार गाली गलौज मतलब हंसी मजाक भी करै छिए, तो कहीं ना कहीं हम मिथिलावासी बहुत धनवान व्यक्ति छी एहि मामले में कि हम मिथिला के वासी छी। बहुत निक बात, अगर भगवान राम के नाम अबे या अयोध्या के नाम अबे या तो मिथिला के सोहो नाम अबे या जे मर्यादा भगवान में लागल छन ओ मैया सीता के ले लागल छन आ मैया सीता ही मिथिला के छथि। और हमरा सब के हक है, भगवान तो अलग छथिन लेकिन हमरा सब के ओ हक मिलल है जे हुनका गारि पड़ियन आ बाबा आई के दिन आ केना देख रहल छियै, चूँकि अहाँ कहलियै जे ई क्षण हमसब देख लेलहुँ, आब एहिसँ बड़का चीज की देखब? हाँ, एहिसँ पैघ की देख सकै छी, अनुभव केलहुँ जे साक्षात दर्शन रामसँ हमरा लोकनिसँ पूरा मिथिलावासी की पूरा देशके भेलै, जे काल्हि तक लोकके घरसँ ठिठुरितमे निकलि नहि सकै छल से आइ सूर्य भगवान सहित लऽ कऽ राम भगवान पहुँचा देलखिन, जे सब मगनमय बच्चा बच्चा सब स्नान केलक आ सब ध्यानमे एकदम मगन अछि, जेकि राम नाम के धुन में मगन है सीता राम। हम सब रामायण या इतिहास में सुने छलिया जे भगवान राम के अयोध्या में 14 वर्ष वन के जे हुनका छलन ओ काट के आबे छथि, लेकिन आई हम सब देखले न जे हुनकर आगमन भेलन, आगमन भ गेलन, आगमन भ गेलन, अपना स्थान पर पहुँच गेलखिन, हमर सीता जे छथि सेहो पहुँच गेलखिन हैं, सासुर सब सब एक ठाम विद्यमान छथि। आ अहाँके सीता मैया जे मिथिला के बेटी बहिन हुनकर गृह प्रवेश भ गेलन, गृह प्रवेश भ गेलन। हाँ, और ऐसे बड़का कोनो मिथिला के लेल छन्ने नहीं भ सकैए जे बेटी के गृह प्रवेश भेल, आइ के दिन देख रहा छी, कोनो नहीं भ सकै छै। ई तो हमरा लोकन के सौभाग्य, पूरा संसारक सौभाग्य जे मिथिला के बेटी से राम जी के पत्नी भेलखिन, हुनकर अर्धांगिनी भेलखिन, जैसे कि पूरा सबटा एकदम समृद्ध भेलै, आइ सब संसार में पूरा रामक अस्तित्व बिना सीता के नहीं, तै पूरा मिथिला के जे छै से हमरा लोकन पूरा संसार में आप कह सकै छी मिथिला के एकटा पहचान और बढ़लै। बढ़ल तऽ सब दिन से छलै, दोसर दोसर रूप में छलै, मधुबनी पेंटिंग्स भेलै, मखान भेलै, बहुत तरह के भेलै, बहुत विद्वान मिथिला देलखिन, मुदा ऐसे सब बुझलकै जे राम के सासुर कतौ तऽ मिथिला में, तऽ तै से हमरा लोकन के और बेसी गौरवान्वित छी। और ई जे प्रकरण भेलै राम मंदिर के, तकर बाद से जतेक रास मंदिर सब है सबके अपने आप धीरे 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 ओकर जीर्णोद्धार भ रहल छै। ई मंदिर जे अपने लोग देख रहल छै, ई महाराज कुमार कीर्ति सिंह के टाइम के छै, अर्थात 1860-70 के आसपास के, प्रायः मधुबनी में एरिया में ऐसे प्राचीन मंदिर नहीं है, मुदा इहो जे जीर्णशीर्ण अवस्था में छथि, मुदा एकटा सबके अलै उम्मीद अलै जे नहीं इहो मंदिर के आब उद्धार हेतै, उद्धार हेतै, तै में सब गोटे लागल छी, पूरा समाज लागल छै। और उम्मीद नहीं, पूरा 110% हमरा लागे है जे इहो मंदिर के जीर्णोद्धार हेतै, एलागी कतौ ने कतौ सनातनी जे छलै थे ओ जाग उठला थे, और ई अयोध्या मंदिर से सब गोटे के कह सकै छै स्तंभ के शुरुआत भेलै है। अब धीरे धीरे सनातनी जते भी मंदिर छै सब जीर्णोद्धार हेतै, जना आज सब गोटे उत्सव मना रहल छी, ओहिना फिर मथुरा में सेहो होबे वाला छै जतौ उत्सव मनायब, और हर जगह के मंदिर के जीर्णोद्धार हेतै।